फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉपुलर एस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इसमें रेडियो कैसे बजता है, पेन ड्राइव से कैसे बजाते हैं और ब्लूटूथ से कैसे इसे बजाते हैं, जो कि यह है इंटेक्स का पोर्टेबल स्पीकर है जिसका नाम है इंटेक्स। आप देख सकते हैं इंटेक्स म्यूजिक B10 इसका नाम है। तो चलिए देखते हैं इसे, सबसे पहले देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि ये ब्लूटूथ से कैसे इसे बजाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया है। और अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करेंगे। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। ब्लूटूथ पे टैप करेंगे, से ऑन करेंगे। ये इंटेक्स का पहले से कनेक्ट था, ये कनेक्ट हो गया। से बैक करेंगे और म्यूजिक में जाएंगे। कोई भी गाना बजाते हैं हम चेक कर सकते हैं। और इसे लॉन्ग प्रेस करने से वॉल्यूम अप होगा और लॉन्ग प्रेस करने से वॉल्यूम डाउन होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे ऑडियो जैक से कैसे बजाते हैं वो हम आपको बताते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। और ऑडियो जैक से बजाने के लिए इसे हम ओपन करेंगे और इसमें ऑडियो जैक लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, जब तक हम लोग अपना ऑडियो जैक इसमें नहीं लगाएंगे तब तक ये इसमें रेडियो भी नहीं बजेगा। ऑडियो जैक लगा देने के बाद से इस पावर बटन को देखिए, इस पावर बटन को हम हल्का सा प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, ये लाइट का रंग चेंज हो गया, इसका मतलब और ये रेडियो बजना शुरू हो गया। तो हम वॉल्यूम अप करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। और हमें चैनल चेंज करने के लिए वॉल्यूम प्लस को शॉर्ट प्रेस करेंगे। देखिए, और वॉल्यूम और रेडियो चैनल को फिर बैक करने के लिए माइनस बटन का प्रयोग करेंगे, जो हल्का सा प्रेस करते हुए जाएंगे। और इसे ऑटो सर्च के लिए हम निर्वाचन क्षेत्र नेपाली कांग्रेस का चिंता बहादुर ये पल्स प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। अब ये ऑटो स्कैन करने लगा चैनल को। ये देखिए दोस्तों, ये ऑटो सर्च कंप्लीट कर चुका है। इसमें देखते हैं कौन सा कौन कौन चैनल अभी आया हुआ है। वॉल्यूम प्लस को शॉर्ट प्रेस करेंगे। ये एक चैनल आ रहा है, नेपाली चैनल है, आप लोग सुन सकते हैं। ये एक एंटीना का भी काम करता है, इसे आप कहीं ऊपर भी रख सकते हैं। सभा निर्वाचन क्षेत्र एक खाली। तो चलिए, ये हो गया रेडियो बजाने का तरीका। अब देखते हैं इसे वहाँ का निकटतम मोबाइल से कैसे कनेक्ट करके बजाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे इस मोड को, रेडियो मोड को चेंज करेंगे और इसे पावर बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे। ये बटन देखिए, लाइट भी जलना चेंज हो गया। ये अब ये इस ऑडियो जैक को अपने फोन में लगाएंगे और ये कनेक्ट हो गया। तो फिर से ये गाना बजाना, बजाना।
और हाँ दोस्तों, और हम चाहें तो इसे गाना चेंज कर सकते हैं, इसे प्लस बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे, इससे नहीं चेंज हो रहा है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अगर हम इस बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल का जो गाना बजता होगा वो चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और मूड को इसको हम चेंज कर लेते हैं, और आपको हम बता दें कि ये पेन ड्राइव से कैसे बचता है। सबसे पहले हम इसमें पेन ड्राइव इंस्टॉल कर देते हैं। पेन ड्राइव लगा देने के बाद इस मूड को हम चेंज करेंगे, पावर बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बजने लगा पेन ड्राइव से। वॉल्यूम को लॉन्ग प्रेस करेंगे आवाज बढ़ेगी, शॉर्ट प्रेस करेंगे तो आवाज घटेगी, और वॉल्यूम प्लस को शॉर्ट प्रेस करेंगे तो गाना चेंज होगा, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम अप होगा, और माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा, या इसे शॉर्ट प्रेस करेंगे तो गाना पीछे आएगा, और प्लस बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे तो गाना आगे जाएगा, नेक्स्ट गाना बजेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, और हम इसे चाहें तो कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ब्लूटूथ से गाना बज रहा हो तो आप चाहें तो इसे कॉल रिसीव कर सकते हैं। और ये दोस्तों, इसका प्राइस मैंने आप लोगों को नहीं बताया था पिछली वीडियो में, जो इसका प्राइस है 1699 रुपया, लेकिन मैंने इसे अमेजोन से लिया था 1146 रुपये में लिया था।